अगर आपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर इस वीडियो को क्लिक किया है और ये एक्सपेक्ट किया है कि इस वीडियो के अंदर मकाऊ के अंडे बेचने के लिए मिलेंगे, तो आप एक 50% स्कैम में आ जाते हैं और स्कैमर्स इसी लालच का फायदा उठाते हैं। तो आज के वीडियो में बचाएंगे आपके मेहनत के पैसे, डालेंगे आपके दिमाग में कुछ कॉमन सेंस और रहेंगे इन स्कैमर से हम दूर, जो वर्ल्ड की इस बढ़ती हुई हॉबी में कर रहे हैं कुछ काला काम। मेरा नाम है शेख तनवीर और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मकाऊस के अंडे बेचना या बिकना किस तरीके का एक स्कैम है जिससे आप अपने बचा सकते हैं मेहनत के बहुत सारे पैसे। आमिर खान और सलमान खान की एक बहुत ही फेमस मूवी थी जिसका नाम था अंदाज अपना अपना, और उसके अंदर एक कैरेक्टर था जिसका नाम था तेजा। मैं तेजा हूँ। और तेजा का एक प्लान था, वो प्लान क्या था गौर से सुनिए। हजारों मुर्गियां पालूंगा जो लाखों अंडे देंगी, लाखों अंडों से करोड़ों मुर्गियां और उनके कई करोड़ अंडे। जिस तरीके से तेजा का एक प्लान था कि लाखों अंडे से लाखों मुर्गियां, उसके बाद उससे करोड़ों अंडे निकले और उसके बाद ये प्रोसेस चलता रहे, इसी तरीके की कुछ एड्स इंटरनेट पे देख के जिसपे क्लेम किया जाता है कि मकाऊ के अंडे बिकते हैं और हम बेच रहे हैं, आपके अंदर भी एक तेजा निकल के आता है और आप भी सोचते हैं अरे यार ये 3,500-4,000 इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूँ, 3,500-4,000 ये मकाऊ के फर्टाइल एग दे रहा है। इस एग को अगर मैं लेकर इंक्यूबेटर में करके, इंक्यूबेटर जो मशीन होती है जिसके अंदर एग्स को हैच किया जाता है, जिसकी एक एवरेज प्राइस होती है 10,500-11,000 रुपया। तो आदमी क्या सोचता है 3,500-4,000 का एक अंडा लेता हूँ, 10,000-15,000 का एक इंक्यूबेटर लेता हूँ, उसके अंदर ये अंडे को हैच कर एक मैं मकाऊ का बच्चा निकालता हूँ। तो आज जो मकाऊ की जो करंट रेट चल रही है 1,70,000-1,80,000-2,00,000 डिपेंड ऑन द क्वालिटी, ब्लू एंड गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये तो जो सौदा है बहुत ही सस्ता है। तो इस तरीके के दिमाग आपके दिल में आते हैं, तो फिर आप क्या सोचते हैं मैं एक के बदले क्या करता हूँ 10 अंडे लेता हूँ, 10 में से अगर 50% खराब हुए, 5 में से अगर 2 बच्चे भी निकले तो मैं तो यार लखपति बन गया। तो इस तरीके का आपका दिमाग चलता है जब आप इंटरनेट पर या गूगल पर सर्च करते हो कि मकाऊ एग्स फॉर सेल, और आपको इस तरीके के रिजल्ट्स देखने मिलते हैं जिसके अंदर अगर आप देखेंगे इनकी प्राइसिंग आपको 3,500-4,000-5,000 फर्टाइल एग बोल के दी जाती है। अगला वीडियो होने वाला है Q&A सेशन पर जिसके अंदर मैं जवाब दूंगा आपके सवालों के। अगर आपको कोई सवाल है रिलेटेड टू एग्जॉटिक पैरेट तो आप आइए इस वीडियो के कमेंट में और यूज करिए #ShekhTanveer, उसके बाद आपका सवाल, यानी आपको लिखना है #ShekhTanveer फॉलोड बाय योर क्वेश्चन और मैं इन सवालों के जवाब दूंगा अपने अगले वीडियो में। तो ये तो थी आपकी प्लानिंग जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप में से कुछ हॉबीज एक तेजा बनने की कोशिश करते हैं जो सोचते हैं कि हम अंडे लाके इंक्यूबेटर में रख के इस तरीके के हम बिजनेस करेंगे। बट अब मैं आपको एक एक्चुअल सिनेरियो बताता हूं जो फैक्ट्स और रियलिटी पे बेसिस है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ का अडल्ट पेयर, अडल्ट मीन 6-7 साल का एक पेयर, आज के दौर में उसका करंट रेट है 4.5-5 लाख के बीच में। तो हम लोग पकड़ते हैं ब्लू गोल्ड का पेयर 4.5 लाख का। उसके बाद आप एक रूम में या एक स्पेस में रखेंगे, बहुत से लोग बोलेंगे यार ये तो हमारे घर का स्पेस है, मगर फिर भी वो कॉस्ट में इन्वॉल्व होता है। सो लेट्स सी 5,000 रुपया पर महीना, ठीक है, तो पूरे साल का हो गया 12×5=60,000 रुपीज वो हो गया। उसके बाद हम ऐड करेंगे इनके फूड्स एंड सप्लीमेंट्स, वर्स्ट केस सिनेरियो सबसे कम से कम पकड़ते हैं हम लोग 2,000 रुपया पर महीना, तो साल का कितना हो गया 24 से 25,000। उसके बाद लेबर कॉस्ट मतलब आप उसकी देखभाल करोगे, आप टाइम इन्वेस्ट दोगे, उसकी क्लीनिंग करोगे, सब कुछ करोगे, आप सोचते हो गए तो मेरा ही है, मगर वो भी एक कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। तो लेट्स सी 2,000 रुपया पर मंथ वो भी पकड़ लेते, तो साल का 24-25,000 रुपया ये हो गया। तो इसका जो टोटल आता है वो आता है 5,60,000। ये मैं बात कर रहा हूँ एक अडल्ट पैड लाने के बाद जो एक्सपेंसेस होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक अडल्ट पैर लाने के बाद इमीडिएटली 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने में आपको एग्स मिल जाए, ठीक है। अब इसके अंदर एक और एक कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर आप 4,50,000 रुपया जो साल के स्टार्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप जो महीना आप उसको यूज़ करेंगे उसका भी इंटरेस्ट होता है, वो तो मैं पकड़ भी नहीं रहा हूं। तो अगर आप टोटल देखेंगे
बीएनजी मकाऊ का तेर, उसका फूड एंड सप्लीमेंट, उसका स्पेस, उसके बाद उसके लेबर कॉस्ट, तो टोटल आएगा 5,60,000 के करीब। अब आप मुझे बताइए, जब एक बंदा 5,60,000 रुपया इन्वेस्ट करेगा और एक लाइव एनिमल के अंदर जो रिस्क होते हैं वो रिस्क उठाएगा, उसके बाद जो मुश्किल से, जिसकी गारंटी नहीं है कि अंडे होंगे या नहीं होंगे, अगर अंडे हो गए, जो साल में लोग दो क्लच लेते हैं और एक क्लच में 2 से 3 अंडे निकालते हैं, तो वो एक अंडे की वैल्यू क्या 3,000-3,500 है? अगर आपको लॉजिक के हिसाब से ये सही लगता है तो आप मुझे बताइए, 5,60,000 इन्वेस्ट करने के बाद, सारा रिस्क, सारी चीजें करने के बाद, जो वो अंडा निकलेगा वो 3,500 रुपए का होगा या नहीं होगा? ये एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इस बात का। अब इस डिस्कशन का एक दूसरा पहलू है, बहुत से लोग बोलेंगे अरे यार फार्म पे जहां पर हजारों परिंदे होते हैं, आई एग्री, मगर हजारों परिंदे होने के बावजूद भी इसकी कॉस्ट उतनी कम नहीं हो सकती। 5,60,000 के बदले वो आपको शायद 5,00,000 रुपया कॉस्टिंग आए, इतने सारे बर्ड्स है, तो स्पेस में, इलेक्ट्रिसिटी में, लेबर में, सबको कॉस्ट डिवाइड हो सकता है, मगर फिर भी आपके लॉजिक के हिसाब से, कॉमन सेंस से, एक पहली या दूसरी पास आदमी भी बता सकता है कि लॉजिक के हिसाब से क्या ये अंडा 3,500-4,000 रुपए का कोई बेच सकता है? मकाउज और एग्जॉटिक बर्ड्स इतने एक्सपेंसिव क्यों होते हैं, उस पर मैंने एक फुल फ्लेज वीडियो बनाया हुआ है, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, उसके अंदर मैंने सारी चीजें डिटेल में बताई है, आप जाकर इस लिंक को क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन डिस्पैरिटी इंग्लिश का ये वर्ड है, जिसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना होने के वजह से लोगों को जो नुकसान होते हैं, एग्जॉटिक वर्ल्ड में भी या एग्जॉटिक पैरट्स के अंदर भी ये चीज़ें होती हैं, जहाँ पर इंफॉर्मेशन की डिस्पैरिटी होती है, लोगों को ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती, जिसके वजह से लोग फ़ायदा उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले बहुत सारे ट्रेडर और ब्रीडर मकाउज या कोई भी बर्ड्स के साथ में लोग बोलते थे कि DNA सर्टिफिकेट अवेलेबल, दिस बर्ड इज DNA सर्टिफाइड, इसके वजह से लोग 5,000-10,000 एक्स्ट्रा चार्ज करते थे। मगर जब से ही लोगों को पता चलने लगा कि DNA कराने का जो प्रोसेस होता है, इट इज़ वेरी सिंपल एंड इट टेक्स हार्डली 200-250 बक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडिया के अंदर 200-250 के अंदर DNA सर्टिफिकेट बन जाता है, आपको पता चल जाता है कि इसका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। तो जैसे ही इंफॉर्मेशन डिस्पैरिटी कम हुई, लोगों को नॉलेज ज़्यादा हुई, ब्रीडर और ट्रेडर ने ये करना छोड़ दिया कि यार ये DNA सर्टिफिकेट एटसेट्रा एटसेट्रा। उसी तरीके से आज भी लोगों को इंफॉर्मेशन डिस्पैरिटी के वजह से स्कैम का शिकार होते हैं। तो हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद लोगों में एग्जॉटिक पैरट्स की तरफ से जितनी भी इंफॉर्मेशन डिस्पैरिटी है उसको कम करके, मिनिमाइज करके ख़त्म करें। अगर आपको भी फुली हैंड टेम्ड, ट्रेंड और टॉप ग्रेड क्वालिटी के मकाउस, काकाटूज या कोई भी एग्जॉटिक पैरट चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर, जिसका नाम है sheikhtanveer.official। जिंदगी के हर मोड़ पर अच्छे और बुरे दोनों लोग मिलते हैं, अच्छे लोगों से नॉलेज लेकर और बुरे लोगों से सबक लेकर हमको आगे बढ़ना चाहिए, और लाइफ का यही एक रूल है। ये वीडियो बनाने के बावजूद भी बहुत सारे लोग ये सोचेंगे अरे क्या हो गया यार, 3,500 का तो अंडा बोरा ले लेते हैं, ये जुआ खेल लेते हैं, देखते ना अगर आ गया तो अच्छी बात है, मगर ये एक ऐसा जुआ है जिसमें जीतने के 0% और हारने के 100% चांसेस हैं। तो तेजा जैसे लाखों मुर्गियों से करोड़ों अंडे निकालने का सपना छोड़िए और अपने मेहनत के पैसे बचाइए। तब तक कीप लविंग योर बर्ड्स।